गाइस दीदी को दीजू देखो कैसे पल्लू उड़ा रहे हैं आप लोग, देखिए कितना अच्छा माहौल है। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर, ससुराल जाने वाले हैं। मेरे पति जो मुझे लेने आए थे तो उनको मैंने एक दिन के लिए रोक लिया था, और आज हम लोग जा रहे हैं अभी रेडी होकर मंदिर। मेरे साथ जाने वाली है मेरी दो बहनें, और हम लोग निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, मंदिर घूम कर आएँगे फिर घर के लिए निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं कि मेरे साथ मंदिर जाने वाला कौन कौन है। गाइस, ये है मेरी बहन जिसा, और ये मेरे साथ मंदिर जा रही है, और उसके बाद में दो गाइस एक बात बताना चाह रही हूँ आपको। एक्चुअली में परसों मेरी बड़ी दीदी चली गई थी, और आज छोटी दीदी जाने वाली है जीजू के साथ में। तो ऐसा था कि ये लोग जाने वाली हैं, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि आज चलते हैं घूमने के लिए सब लोग। तो सब लोग चल रहे हैं घूमने के लिए, और जाने का प्लान है गणेश मंदिर, तो हम लोग वहीं पर जाएंगे। और अच्छा नहीं लगेगा दीदी के जाने बाद बिल्कुल भी। सो गाइस, हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं, पीछे दिशा एंड देखिए दीदी और जीजू। हेलो बोलिए गाइस, हम लोग कार में बैठे, ये देखिए दिशा और अनुष्का, और मैं भी बैठने जा रही हूँ। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त के बाद जाएंगे गणेश टेम्पल। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर जाने के बाद कहीं और जाया जाता है, अपने घर ही वापस आया जाता है, इसलिए हम लोग पहले चलेंगे ब्रह्मावर्त, फिर उसके बाद जाएंगे गणेश टेम्पल, फिर आएंगे घर, फिर उसके बाद में ससुराल जाने की तैयारी करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं ब्रह्मावर्त में। गाइस, कहीं जाना नहीं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और हम मिलते हैं आपको ब्रह्मावर्त में। फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं ब्रह्मावर्त, और अभी आपको ब्रह्मावर्त का रिव्यू दिखाएंगे कैसा क्या है। आइए, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम हम लोग दीदी और जीजू के संग आए हैं ब्रह्मावर्त। बड़े दीदी के साथ आ चुके हैं, बट छोटी दीदी के साथ नहीं आए थे, इसलिए आ गए हम लोग। दीदी बहुत हैप्पी लग रही है क्योंकि रिया जी संग आए हैं। उस बार आए थे तब भी बहुत खुश थे। गाइस, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए। ये हम लोग गाइस ब्रह्मावर्त आ चुके हैं, ये ब्रह्मावर्त है, यहाँ पे अनेक मंदिर हैं, और सभी लोग स्नान भी कर रहे हैं, यहाँ पे नाव भी लगी हुई है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये देखिए गाइस, कितना बड़ा त्रिशूल है यहाँ पे, ये देखिए। गाइस, हम लोग काफ़ी घूम चुके हैं, अब एक काम बचा है जो कि गंगा जल लेना। मम्मी ने मंगवाया था, तो अंशिका गई है वो गंगा जल लेने। गंगा जल लेने के बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ज़्यादा अंदर न जाना। गाइस, इतनी बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पे, एकदम ठंडी ठंडी।
बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नाव भी लगी हुई है, स्टीमर भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मिस्टर पति देखो डर लगता है, इसलिए लोग नाव पे नहीं बैठने वाले हैं और हम लोग सिर्फ आज गंगा जल लेंगे और घूमेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। निकल रहे हैं अब यहाँ से, अब हम लोग चल रहे हैं अपने कार में बैठने और वहाँ से बैठ करके फिर हम लोग निकलेंगे गणेश मंदिर। गणेश मंदिर में रुकेंगे, वहाँ पे दर्शन करने के बाद में हम लोग निकलेंगे घर। हम लोग आ गए हैं गणेश टेंपल और दीदी जो है प्रसाद ले रही है, जिया जी भी, तो दीदी प्रसाद ले लें फिर हम लोग चलते हैं मंदिर। तो डॉगी लोग भी हम लोग मदद देंगे। तो गाइस फ्रेंड्स, दीदी फूल ले रही है भगवान को चढ़ाने के लिए और अच्छा अलग टुकनिया में दोगे क्या बोल रही हो दीदी? 10 के ही देना ठीक है, शमी के पत्ते भी दे दो। सूट करने में लगा है पंडित जी नहीं आए अभी। दीदी पंडित जी नहीं आए? पंडित जी आ जाएंगे। देखिएगा गाइस दीदी को, दीजू देखो कैसे पल्लू उड़ा रहे हैं आप लोग, देखिए कितना अच्छा माहौल है। वाह देखिए पंडित जी आएंगे कि नहीं आएंगे? बात कोई नहीं है, हेलो तुम चलो और पंडित जी लेते हैं वो बाहर बात कर लेंगे। गाइस ये है दान पेटी, इसमें ना सभी लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये देखिए गणेश भगवान है, मंदिर तो बंद है, पंडित जी आया नहीं है तो दीदी ऐसे ही पूजा कर रही है। दीदी कर रही है परिक्रमा, परिक्रमा करने से उसकी पूरी विश पूरी हो जाती है। तो गाइस देखिए दीदी परिक्रमा कर रही है, मैं उनका वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं भी साथ साथ परिक्रमा कर रही हूँ। परिक्रमा करनी चाहिए। ये देखिए गाइस यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है, कितना सुंदर साफ सुथरा मंदिर बना हुआ है। पंडित जी यहाँ पे नहीं है इस वजह से इस वाले मंदिर में ताला लगा हुआ है, बाकी सारी बने देखो जा रही शंकर भगवान की मूर्ति के पास, वहीं पे फोटो वीडियो सब वीडियो शूट कर रही है, फोटो खींच रही है और मैं हम लोग भी चलते जा देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या है। काफी सुंदर मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए दिशा अपना ब्लॉग शूट करने में जुटी है। सो गाइस मंदिर में दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं घर। एक्चुअली हम लोग की गाड़ी थोड़ी दूर पे खड़ी हुई है क्योंकि वहाँ पे एक खंभा गिर गया था जिसकी वजह से गाड़ी हम लोग की दूर है।